इस T20 सीजन My Team 11 पर रोज खेलो और जीतो करोड़ों में। डाउनलोड द My Team 11 ऐप नाउ। दिस गेम मे बी हैबिट फॉर्मिंग और फाइनेंशियली रिस्की। प्ले रिस्पॉन्सिबली। आगे बढ़ेंगे खबरों में। बाड़मेर के चौहटन से बड़ी खबर है। मां ने अपने 2 वर्षीय बेटे के साथ टांके में कूदकर आत्महत्या कर ली है। चौहटन पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली है। पुलिस ने दोनों शवों को मोर्चरी में रखवाया है। मृतका पन्नी देवी की 6 वर्ष पहले शादी हुई थी। पुलिस ने पीहर पक्ष को घटना की जानकारी दी है। पीहर पक्ष की रिपोर्ट के बाद आगामी कार्रवाई होगी। चौहटन थाना के लीलसर साकरिया तला की ये घटना बताई जा रही है, जहां पर एक महिला ने अपने बच्चे के साथ टांके में कूदकर आत्महत्या कर ली है। अब पीहर पक्ष को पुलिस ने जानकारी दे दी है। पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है कि आखिर महिला ने ऐसा कदम क्यों उठाया है। क्या उसे प्रताड़ित किया जा रहा था या फिर कोई अन्य वजह रही, किस वजह से महिला ने ऐसा कदम उठाया, फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है। 2 वर्षीय बेटे के साथ एक मां ने टांके में कूदकर आत्महत्या कर ली है। चौहटन पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पूरी घटना की जानकारी ली है। शवों को मोर्चरी में रखवाया गया है। मृतका का नाम पन्नी देवी बताया जा रहा है, जिसकी शादी 6 साल पहले हुई थी। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। प्रारंभिक तौर पर पीहर पक्ष के लोगों को पूरी घटना की जानकारी दे दी गई है। पीहर पक्ष पहुंचा है। पीहर पक्ष के रिपोर्ट के बाद आगामी कार्रवाई होगी, यानी कि अब पीहर पक्ष से पूछताछ होगी। वो क्या कुछ कहते हैं, क्या वो कोई आरोप लगाते हैं, कोई संदेह उनको अगर नजर आता है तो फिर उस रिपोर्ट के आधार पर पूरे मामले में आगे कार्रवाई होगी। आपको बता दें एक बार फिर से, चौहटन थाने के लीलसर साकरिया तला की ये घटना बताई जा रही है। तो देखिए, दोनों के शवों को लाल अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है और बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए हैं। ये पीहर पक्ष के लोग हैं। अशोक शेरा मेरे सहयोगी बाड़मेर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक, कुछ पता चला क्या कि ऐसा कदम महिला ने क्यों उठाया? देखिए दीपिका, ये बाड़मेर की पहली घटना नहीं है। बाड़मेर में पहले भी इस प्रकार की सामूहिक आत्महत्या की जो घटनाएं हैं वो लगातार सामने आती रही। हालांकि पुलिस और प्रशासन की ओर से इस प्रकार की घटनाओं की रोकथाम के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ऐसी घटनाएं लगातार हो रही है। ये बाड़मेर के चौटन थाना क्षेत्र के लीलसर गांव की घटना है, जहां पर एक मां ने अपने महज 2 वर्षीय बेटे के साथ घर के अंदर जो टांका बना था उसमें कूदकर आत्महत्या की है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है और ये बात भी सामने आ रही है कि उनके जो पीहर पक्ष के लोग हैं उन्होंने ऐसे एलिगेशन लगाए हैं कि इसको जो फसुरल पक्ष के लोग परेशान कर रहे थे, ऐसी बातें भी सामने। हालांकि ये बात तो पुलिस की जांच के बाद ही सामने आ पाएगी। मृतका जो पन्नी देवी है, इसकी 6 साल पहले शादी हुई थी और अपने 2 साल के बेटे जो हरीश है उसके साथ उसने टांके में कूदकर आत्महत्या की है। फिलहाल पुलिस ने वहां पर सर रोककर पूरे मामले को लेकर जांच की जा रही है। अशोक, ससुराल वालों ने क्या कोई अपना पक्ष रखा है? देखिए, अभी दोनों ससुराल पक्ष के लोग भी वहां पर पहुंचे हैं और पीहर पक्ष के लोग भी हैं और पुलिस है। पूरे मामले को लेकर जैसी रिपोर्ट उनके पीहर पक्ष के लोग थे उसके बाद अतिरिक्त कार्यवाही होगी। और अभी तक जो ससुराल पक्ष के लोग हैं उन्होंने कोई किसी प्रकार का कोई अपना पक्ष नहीं रखा है, लेकिन जो रिपोर्ट होगी उसके बाद जांच पड़ताल होगी, उसमें बात सामने आ पाएगी। अशोक, पुलिस क्या कह रही है पूरे मामले में? पुलिस को क्या लग रहा है, क्या संदेह पुलिस को है, किस आधार पर रिपोर्ट अब दर्ज की जा रही है? बिल्कुल, पुलिस को अभी रिपोर्ट दी जा रही है और उसके आधार पर कार्यवाही करेगी, लेकिन प्रथम दृष्टया यही लग रहा है कि जो मां है उसने अपने मासूम बच्चे के साथ टांके में कूदकर पन्नी देवी ने जो आत्महत्या की है, कहीं ना कहीं उसको किसी न किसी रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था या फिर कोई और वजह रही होगी। ये उनकी रिपोर्ट के बाद और पूरे मामले का जब अनुसंधान किया जाएगा तब पूरी क्लियर हो पाएगी। अशोक, आसपास के लोग कुछ बता रहे हैं क्या, क्या कोई पारिवारिक कलह चल रही थी जिसकी वजह से ऐसा कदम उठा लिया हो महिला ने, या फिर कोई अन्य बात आसपास के लोग कुछ बता रहे हो? देखिए, पन्नी देवी का जो विवाह है वहां से करीब 6 साल पहले हुआ था और ऐसे में ये बातें भी लगातार सामने आ रही हैं कि इनके बीच थोड़ी बहुत अनबन रही होगी, लेकिन अभी कोई भी इस बात से स्पष्ट रूप से कहने से दूरी बना रहे हैं, क्योंकि जैसे उनके परिजन रिपोर्ट देते हैं उसके बाद से क्या बात पूरी सामने आती है उसके बाद स्पष्ट क्लियर हो पाएगी। और लगातार इस प्रकार की घटनाएं जो बाड़मेर जिले में है वो ऐसी कई घटनाएं होती है। माँ को कहीं ना कहीं लगता है कि मेरे चले जाने के बाद जो मेरे बच्चे हैं उनके साथ न जाने क्या होगा, ऐसे में ऐसे कदम अपने बच्चों के साथ पानी के टांके में कूद जाती है। अगर पहले की बात करें तो एक बार ऐसी घटना भी थी, 5 बेटियों के साथ माँ टांके में कूद गई थी। तो लगातार इस प्रकार की घटनाएं जो है वो सामने आई। बिल्कुल, लगातार अगर ऐसी घटनाएं बढ़ रही है अशोक, तो फिर ये चिंता का विषय हो जाता है। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। आपका शुक्रिया जानकारी के लिए।